विदेशी ब्रांड नहीं, बजाज का है बवाल लुक वाला ये स्कूटर, भारत में बनाया जाएगा हुस्क्वारना वेंटर। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पे बजाज का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है, जहाँ पे इसका नाम दिया गया है दोस्तों बजाज का हुस्क्वारना वेक्टर। सब कुछ डिटेल में बात करते हैं, अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं तो बजाज ऑटो की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में जोरदार मुकाबला पेश करने वाली है, और इसलिए कंपनी ने हाल ही में अपने पुणे प्रोडक्शन प्लांट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उत्पादन के लिए नया प्लांट बनाने का ऐलान कर चुकी है। यहाँ बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का उत्पादन किया जाएगा और इसी प्लांट में आपको बता दें हुस्क्वारना की वेक्टर का भी प्रोडक्शन होगा। आपको बता दें दोस्तों हुस्क्वारना हिस्की वेक्टर स्कूटर को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, और संभावित रूप से इसे विदेशी बाजार के लिए भारत में बनाया जाने वाला हो सकता है। आपको बता दें आने वाले समय में ये भारतीय कंपनी जो है भारतीय बाजार में भी इसे लॉन्च कर सकती है। तो बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले बेहतरीन चेहरा की बात करें तो चेहरा देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, विदेशी मॉडल जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो कंपनी ने इस स्कूटर का चेहरा काफ़ी आकर्षक बनाया है, जिसके बीच में यहाँ पे हेडलाइट लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच में हेडलाइट लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहा है। बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो इस स्कूटर का तगड़ा प्रोफाइल है जैसे कि देख सकते हैं। तो हुस्क्वारना वेक्टर की बात करें तो साइड प्रोफाइल तगड़ा है और इसे दमदार लुक यहाँ पर देता है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल स्टाइल है, इस स्कूटर का स्टाइल देख सकते हैं। तो स्कूटर के स्टाइल को यहाँ पे जो है सो बिना तामझाम वाला रखा गया है, जिससे भी यह सिंपल होने के बाद भी ये बहुत ही आकर्षक लग रहा है देखने में। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों पिछला हिस्सा के बारे में, पिछला हिस्सा भी स्टाइलिश है स्कूटर का, देख सकते हैं ये पिछला हिस्सा है, काफ़ी स्टैंडर्ड लग रहा है देखने में। बात करते हैं पिछला हिस्सा के बारे में, तो हुस्क्वारना वेक्टर का रियर प्रोफाइल भी अच्छा दिखता है, जो कि इसके पूरे लुक पर सूट करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके पूरे लुक पर जो है सो सूट कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्टैंडर्ड लग रहा है, विदेशी मॉडल से कम यहाँ पे नहीं लग रहा है ये स्कूटर। ये बजाज का जो है सो जल्द यहाँ पर लॉन्च होने वाला है दोस्तों, वेंकर हुस्क्वारना, जो कि काफ़ी सुंदर स्कूटर है। बाकी जैसे ही लॉन्च होगा आपको हम कमेंट आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल इसको टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो कि इसका फर्स्ट लुक कुछ इस प्रकार से है जो हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।